दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक पैरा स्पेशल फोर्स। पैरा कमांडो के नाम से हर दुश्मन देश थर्राने लगता है। जहां सूरज की किरणें भी सही से नहीं पहुंच पाती, वहां पहुंचता है कमांडो। जहां जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, ऐसे जहरीले सांपों को खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप और हम जैसे लोग पूरी फोर्स के साथ जाने से भी डरते हैं, ऐसे इलाकों को दुश्मन से छुड़ाकर देश को वापस देता है कमांडो। हजार नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उसकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी अपनी सेना की ताकत के बल पर ही दुनिया में अपना रुतबा कायम रखने की ताकत रखता है। यही वजह है कि सभी देश अपनी सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेना की ऐसी ट्रेनिंग के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इसके साथ इस वीडियो में पाकिस्तान की सेना की ट्रेनिंग के बारे में भी बताएंगे, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि भले ही पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना से बराबर मात मिली, लेकिन पाकिस्तान की सेना को भी एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल वीडियो को। 36 घंटे स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप। दोस्तों, आपको पहले बता देते हैं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं होता, बल्कि इसका चयन सेना के अलग अलग रेजिमेंट से किया जाता है, जिसके बाद सेना के जवानों को आगे की ट्रेनिंग के लिए पैरा कमांडो ट्रेनिंग कैंप को भेज दिया जाता है, जिसके बाद इन जवानों को 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद इन्हें 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, जो बड़ा ही भयानक होता है। जो जवान इस ट्रेनिंग को सफलता के साथ पूरा कर लेते हैं, उन्हें ही पैरा कमांडो की पहचान वरुण कैप पहनने का मौका मिलता है। 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत रात को होती है। इस दौरान जवानों को थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना जैसे कठिन दौर से गुजारा जाता है। रात में जब ये जवान नींद की आगोश में जाने ही वाले होते हैं, तब ये ट्रेनिंग टीम उन्हें लाइन में खड़े होने का ऑर्डर देती है, जबकि उन जवानों को काफी दिनों से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इसमें जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करनी होती है, जब तक इनमें से कोई एक हार ना मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड के साथ खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। ये बैटल मार्च 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने साथी को कंधे पर बैठा कर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो के लिए ये मानना है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, आपको ये लगता है कि ये बड़ा ही भयानक है, तो अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर सर्किल के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपने 30 किलो का बैटल लूट और हथियारों के साथ 20-20 लीटर के 2 जेरी कैंस लेकर चक्कर लगाने होते हैं, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है। वहीं तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़ों को कंधे पर उठाकर 1.18 किलोमीटर सर्किट को पार करना होता है। इसका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग के इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, जिसे पूरा करने के बाद इन जवानों को 12 फीट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया जाता है। इस टैंक का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। इस टैंक में ट्रेनर जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है, जिससे वो जिंदा रह सके। जवानों को ऐसी ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि वो मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेल सके। इस प्रशिक्षण में असफल होने वाले जवानों का वरुण कैप पहनने का सपना टूट जाता है। इस ट्रेनिंग के पूरा होते होते 14 घंटे बीत चुके होते हैं, जिसके बाद गटर के पानी की तरह दिखने वाले वाटर को पीने के लिए दिया जाता है, जो असल में जूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेटिव सॉल्यूशन मिला दिया होता है। इन शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनके ऑपरेशन टेक्निक और ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जांच की जाती है।
जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन चीजों के बारे में लिखना होता है जो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा होता है। इसे पूरा करने के बाद इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। ये मार्च पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे उन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती है, जिसमें से कई जवान तो सो भी जाते हैं, जिसके बाद इन जवानों का वरुण कैप पहनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इनके कॉम्बैक स्किल की जांच की जाती है, जिसके बाद सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें अपनी कीचड़ से सने ड्रेसेस और हथियारों के साथ दौड़ लगानी होती है, और इसी के साथ ही इन जवानों की 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग पूरी होती है और सफल हुए जवानों के सिर पर वरुण कैप सजा दी जाती है। पीपल लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप चीन दूसरे ताकतवर देशों की तरह ड्रैगन यानी चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को भी कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा बाकी देशों से बिल्कुल अलग होता है। चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के खेल पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनाइट से खेलना पड़ता है। ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन में ना दबा दे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है चीन के इस पागलपन के बारे में? गोरखा बूट कैंप। इस दुनिया में अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता है तो वो है गोरखा रेजिमेंट का जवान। तभी तो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष रहे सैम मनिक शाह ने कहा है कि अगर कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठा है या गोरखा है। दोस्तों, इस रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर से टक्कर ली थी। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने के लिए तैयार गोरखा जवानों की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होते हैं और फिर इन हजारों जवानों में से कुछ 100 जवानों की ट्रेनिंग के टेस्ट के बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए उनको चुना जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि जवान ट्रेनिंग बूट कैंप में चुन लिए गए हैं, वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके होते हैं। इस कैंप के बाद इन जवानों को बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। चुने गए युवाओं को ट्रेनिंग से पहले 25 किलो वजन के साथ पहाड़ी जैसे चढ़ाई वाले इलाकों में करीब 1 घंटे की रेस में सफल होना जरूरी है, तभी वो आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। रेस में सफल होने वाले जवानों को कुछ ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप भेज दिया जाता है, जहां ये जवान दुश्मनों के लिए काल बनकर ही बाहर निकलते हैं। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि जब अपना कुखरी निकालता है तो दुश्मन का खून बहाए बिना मयान में वापस नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि गोरखा आर्मी सिर्फ भारत में ही है तो ऐसा नहीं है। नेपाल आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटेन आर्मी का गोरखा बहादुरी के लिए मशहूर है। अपनी बहादुरी से गोरखा पल्टन ने भारत के लिए कई युद्ध जीते हैं। वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप पीपल आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए काम करता है, जिनके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत इन कांटेदार तारों पर चलने से होती है। फिर इन जवानों को एक एक करके इन कांटेदार तारों पर लिपटा दिया जाता है, जिसके ऊपर से बाकी के जवान चलकर उसे पार करते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसमें इन जवानों के हाथ पैर सिर और कंधों पर पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है, जिसके बाद इन जवानों को नुकीले कील पर पीठ के बल लिटा दिया जाता है। फिर उनके सीने पर पत्थर रखकर हथौड़े से तोड़ा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई जवानों की पीठ लहूलुहान भी हो जाती है, लेकिन ये उफ तक नहीं करते। दोस्तों, अब तक ये कुछ भी नहीं था, आगे तो जो होता है वो और भी खतरनाक है। इन जवानों को लिटाकर धारदार चाकू गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका होता है कि ये चाकू भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जबकि ये चाकू इतने तेज होते हैं कि किसी भी चीज के एक ही वार में 2 टुकड़े कर देते हैं। फिर इन जवानों को ट्रेनिंग के दौरान
नंगे पांव कांच के टुकड़ों पर भारी वजन के साथ चलाया जाता है। दोस्तों, इतना कुछ देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही इन जवानों की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। इसे देखने के लिए आप अपना दिल थाम लीजिए। ये देखिए कि कैसे नंगी तलवार पर लिटाकर इन जवानों के सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। फिर ये देखिए कि किस तरह से वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवान अपनी गर्दन के बल से ही एक लोहे की रॉड को पल भर में ही मोड़ देते हैं, फिर इसे अपनी गर्दन से बाहर भी निकाल देते हैं। इन सारी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही इन जवानों का शरीर लोहे से भी सख्त हो जाता है। दोस्तों, अब तक तो आपको यकीन हो ही गया होगा। इसके अलावा वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवानों को पानी के अंदर, माउंटेन हिल्स और जंगलों में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए कई तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। फिर इन फौलादों को वियतनाम फोर्सेस में रिक्रूट कर लिया जाता है। स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान युद्ध के क्षेत्र में हर बार भारत की सेना से मात खाता आया है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG की, जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स है। दुनिया की बाकी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की तरह ही पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स के जवानों को कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग के शुरुआती 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील की दौड़ के साथ इसकी शुरुआत होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब ऐसे जवान हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं, तब उन्हें जंगलों, पहाड़ों और पानी के अंदर सर्वाइव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग के दौरान जवानों को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी के कारण भूखा रखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये भूखे पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सके। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि देश की सुरक्षा में लगे इन जवानों का हौसला इतना बुलंद क्यों होता है और वो देश पर मर मिटने को तैयार होते हैं।